हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे, यानी भाषा। भाषा में हमारा पांचवा पाठ, दूसरा विभाग चल रहा है। पांचवा पाठ, हारना भी हिम्मत का काम है। पाठ का नाम है हारना भी हिम्मत का काम है। इस पाठ के लेखिका हैं शर्वाणी बनर्जी जी। शर्वाणी बनर्जी जी के बारे में परिचय है। आप हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं, यानी शर्वाणी जी जो है हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका हैं। आपके लेखन में मनुष्य के जीवन में आने वाली सामान्य समस्याओं की चर्चा एवं मार्गदर्शन होता है। शर्वाणी जी जो के लेखन में, यानी मनुष्य के जीवन में आने वाली जो सामान्य समस्याएं हैं, उन पर चर्चा एवं मार्गदर्शन की जा गई है। जो है इस पाठ में, यानी जो गद्य दिया गया है, इसमें भी जो है इस आलेख में लेखिका का मानना है कि असफलता को स्वीकार कर लगातार कोशिश करने वाला अवश्य सफल होता है। कोई व्यक्ति एक बार असफल हो जाए तो वह हारना नहीं चाहिए, उसे जो है कोशिश करते रहना चाहिए। लगातार कोशिश करने से वो जरूर सफल होता है। तो असफल होने पर बैठकर रोने की जगह उसके कारणों पर विचार कर उसे दूर करना आवश्यक है। ऐसा करने से सफलता व्यक्ति की कदम चूमती है, ऐसा जो है लेखिका शर्वाणी जी का मानना है। इस पाठ के माध्यम से उन्होंने ऐसा संदेश देने की कोशिश की है। चलो पाठ को देखते हैं, पहले वाचन और जो इसका व्याख्या भी देखेंगे। माइकल जॉर्डन कहती हैं, मैं असफलता को स्वीकार कर सकता हूँ। हर कोई कभी न कभी असफल जरूर होता है, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। बात सही भी है। एक हार की वजह से जो कोशिश करना छोड़ देते हैं वे कभी सफल हो भी नहीं सकते, और जो हार से बिना डरे लगातार कोशिश करते हैं वे एक न एक दिन जरूर जीतते हैं। तो इस जो है पैराग्राफ में जो है लिखा जी कह रहे हैं कि माइकल जॉर्डन कहते हैं, माइकल जॉर्डन के अनुसार कह रही हैं, माइकल जॉर्डन कहते हैं, मैं असफलता को स्वीकार कर सकता हूँ, असफलता को भी स्वीकार कर सकता हूँ, क्योंकि हर कोई कभी न कभी असफल जरूर होता है। कोई भी व्यक्ति, हर कोई व्यक्ति कभी न कभी किसी न किसी जगह असफल जरूर होता है, लेकिन मैं कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। और माइकल जॉर्डन जी कह रहे हैं कि मैं कोशिश करना कभी नहीं छोड़ सकता। असफल होना तो सबको जो है एक नहीं दिन कहीं न कहीं, लेकिन इस असफलता के कारण कोशिश करना नहीं छोड़ सकता। तो बात सही भी है। एक हार की वजह से जो कोशिश करना छोड़ देते हैं, तो लिखा जी कह रही हैं ये बात सही भी है कि अगर एक हार की वजह से जो कोशिश करना छोड़ देते हैं वे कभी सफल हो भी नहीं सकते, और जो हार से बिना डरे लगातार कोशिश करते रहते हैं, हमेशा प्रयास करते रहते हैं, वे एक न एक दिन जरूर जीतते हैं, एक न एक दिन जरूर जो है सफल होते हैं। ऐसा इस पैराग्राफ के माध्यम से लेखा जी कह रही हैं। अपने बारे में कह रही हैं, मैं फेल होने से बहुत डरती थी। लगता था कि फेल होने के बाद आगे पढ़ने का कोई हक नहीं है। जब 12वीं कक्षा में थी तो लंबी बीमारी के चलते परीक्षा पास नहीं कर पाई। नतीजा पता होने के बावजूद परीक्षा परिणाम घोषित होते ही दिल टूट गया। 4 घंटे तक रोई और फिर थक कर सो गई। उठने के बाद महसूस हुआ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं खोया है जिससे जीना छोड़ दूं। तुरंत पापा से 2 चीजों की मांग की, एक तो मेरा विद्यालय चेंज कराने के लिए कहा, और दूसरा विज्ञान की जगह वाणिज्य में प्रवेश लेने की बात कही। हालांकि पापा ने 12वीं में आकर विषय न बदलने की सलाह दी, लेकिन यह फैसला मेरे अंतर मन का था, उसी पर टिकी रही। अगले साल प्रथम श्रेणी से 12वीं पास की। इस घटना से मैंने एक सीख ली कि जिंदगी में कभी हार से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता के बाद निश्चित रूप से सफलता मिलती ही है। तो लेखिका जी अपने बारे में कह रही हैं इस पैराग्राफ के माध्यम से, मैं फेल होने से बहुत डरती थी। अपने बारे में कह रही हैं कि मैं फेल होने से बहुत डरती थी। लगता था, कह रही हैं कि मुझे लगता था कि फेल होने के बाद आगे पढ़ने का कोई हक नहीं है। मतलब कोई फेल हो जाता है तो फिर उसे आगे पढ़ने का कोई हक अधिकार नहीं है। तो कह रही है कि जब मैं 12वीं कक्षा में थी, जब मैं 12वीं पढ़ रही थी, तो कह रही है कि लंबी बीमारी के चलते, यानी उस समय वो बीमार थी, लंबी बीमारी के चलते परीक्षा पास नहीं कर पाई। कारण लिखा है कि उस समय वो बीमार थी इसलिए तैयारी नहीं कर पाई और परीक्षा पास नहीं कर पाई, 12वीं फेल हो गई थी। कह
करें, ये नतीजा पता होने के बावजूद परीक्षा परिणाम घोषित होते ही उनको नतीजा पता था कि जो है यानी परिणाम क्या आने वाला है, पहले से पता था कि तैयारी नहीं थी इसलिए परीक्षा हम पास नहीं करेंगे, ऐसा उन्हें पता था। फिर भी परीक्षा घोषित होने, परिणाम घोषित होने पर उनका दिल टूट गया, यानी वो निराश हो गई कि जो है लगता है उनको एक लगा कि मुझे मेरा बहुत नुकसान हो गया। कह रही है 4 घंटे तक रोई और फिर थक कर सो गई। 4 घंटे तक पर उस दिन वो जो है रोई और बिल्कुल थक करके सो गई। उठने के बाद उन्हें कह रही है कि मुझे महसूस हुआ कि मैंने ऐसा कुछ नहीं खोया है, यानी फेल होने से मेरा कुछ नुकसान नहीं हुआ है, मैंने ऐसा कुछ खोया ही नहीं है कि जिससे जीना छोड़ दूं। यानी उस समय जो उनकी निराशा थी वो आशा में बदल गई कि ऐसा मैंने कुछ नहीं खोया है कि जिसके कारण अब जीना ही छोड़ दूं। तुरंत पापा से 2 चीजों की मांग की, कह रही है कि तुरंत पापा से बात की, उनसे 2 चीज की डिमांड की, मांग की। एक तो मेरा विद्यालय चेंज कराने के लिए किया लिए कहा। कह रही है कि पापा से मैंने पहला तो कहा कि मेरा विद्यालय चेंज करा दीजिए, मैं विद्यालय चेंज कराने के लिए कहा, और दूसरा विज्ञान की जगह, यानी विज्ञान में वो पढ़ रही थी, साइंस लेकर पढ़ रही थी, लेकिन कह रही है कि उस समय हमने अपना विषय भी चेंज करने के लिए कहा कि विज्ञान की जगह मेरा प्रवेश वाणिज्य में करवा दीजिए, अब मैं वाणिज्य यानी कॉमर्स में नाम लिखवा कर पढ़ूंगी, 12वीं की परीक्षा कॉमर्स में दूंगी। हालांकि पापा ने 12वीं में आकर विषय न बदलने की सलाह दी, कह रहे कि पापा ने उन्हें विषय न बदलने की सलाह दी, उन्होंने समझाया कि 12वीं में जो है विषय बदलना ठीक नहीं है, दूसरा विषय ले लेंगी तो और परेशान होंगी, लेकिन यह फैसला मेरे अंतर्मन का था। लेकिन कह रही है कि मैं अंदर से फैसला कर चुकी थी, मेरा अंतर्मन ये कह रहा था कि अब मुझे साइंस नहीं पढ़ना है, इसलिए जो है उन्होंने विषय बदलवा दिया और उसी पर टिकी रही, यानी अपने निर्णय पर टिकी रही और जो है उन्होंने विषय बदल ही दिया। कह रही है अगले साल प्रथम श्रेणी से 12वीं पास की। तो इतना सब करने पर उन्होंने स्कूल चेंज कर दिया, विद्यालय चेंज कर दिया, विषय भी चेंज कर दिया और अपना लगातार प्रयास किया, मेहनत किया, और जिसका नतीजा हुआ कि जो है प्रथम श्रेणी में 12वीं परीक्षा जो है फर्स्ट क्लास से पास की, प्रथम श्रेणी में पास की। यानी एक असफलता के बाद उन्हें सफलता प्राप्त हुई तो अच्छी तरह से प्राप्त हुई। इस घटना से मैंने एक सीख ली, कह रहे हैं कि इस घटना से मुझे एक सीख मिली, सीख ली क्या कि जिंदगी में कभी हार से घबराना नहीं चाहिए। तो ये उनकी जिंदगी में जो घटना घटित हुई उससे उन्हें एक सीख मिली कि जिंदगी में हमें कभी घबराना नहीं चाहिए, किसी भी हार से हमें घबराना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, क्योंकि हर असफलता के बाद निश्चित रूप से सफलता मिलती है। यानी किसी भी असफलता के बाद हमें निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होती ही है, इसलिए एक बार असफल हो जाने से घबराना नहीं चाहिए, हमें डरना नहीं चाहिए, हमें कोशिश करना चाहिए, जरूर हमें सफलता मिलेगी। सिखाती है असफलता, इस पैराग्राफ के माध्यम से कह रही हैं कि असफलता हमें सिखाती, क्या सिखाती है, अगर असफलता को अपनी हार से न जोड़कर उससे सीखा जाए तो नाकामयाबी से बड़ा गुरु और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही असफलताएं अनुभव बनकर आपको अनुभवी की पदवी देती हैं। कक्षा में फेल होने के कुछ दिन बाद जब मैंने अपनी स्थिति का आकलन किया तो पाया कि यदि उस वक्त 12वीं कक्षा में मैं किसी तरह उत्तीर्ण हो भी जाती तो तृतीय श्रेणी से ज्यादा नहीं ला पाती, उतनी खराब अंकों के साथ मुझे किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता, पूरा करियर दांव पर लग जाता। लेकिन एक असफलता ने मुझे दोबारा 12वीं की परीक्षा देने का मौका दिया, मुझे सही दिशा मिली तो अच्छे अंक आए और जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी मिला। तो कह रही हैं जो है लेखिका जी की अगर असफलता को अपनी हार से न जोड़कर देखा जाए, कि असफलता को हार से न जोड़ा जाए कि हम हार गए, तो उसे सीखा जाए, उसको जो असफलता मिली है उसके कारण का पता लगाकर उसे सीखा जाए, तो यह नाकामयाबी जो है यही गुरु हो जाती है। यानी नाकामयाबी से बड़ा गुरु और कोई हो ही नहीं सकता, यानी सबसे बड़ा नाकामयाबी जो है असफलता, ये सबसे बड़ा गुरु बन जाती है। यानी हमारी जो कमियां हैं वो जो है उजागर होती हैं, क्योंकि जब आप जिंदगी में पीछे मुड़कर देखते हैं तो वही असफलताएं अनुभव बन जाती हैं। जब आदमी जो है अपनी अनुभव को खोलता है कि हमने जिंदगी में क्या क्या देखा, तो वही जो जिंदगी में घटनाएं घटित होती हैं, असफलताएं मिलती हैं, वह उसका अनुभव बन जाती हैं,
और वह अनुभवी की पदवी प्राप्त कर लेता है। लोग उसे अनुभवी कहते हैं, यानी ऐसा किया तो ऐसा हुआ, यानी इस तरह से वो अनुभव बन जाती है। कक्षा में फेल होने के कुछ दिन बाद जब मैंने अपनी स्थिति का आकलन किया, कह रही है फेल होने के बाद जब मैं अपनी स्थिति का अपने बारे में आकलन किया, मूल्यांकन किया, तो पाया कि यदि उस वक्त, कह रही है अगर उस वक्त मैं पास भी होती, उत्तीर्ण होना यानी पास होना, तो किसी तरह 12वीं की परीक्षा मैं तृतीय श्रेणी में थर्ड क्लास में पास करती और इन बहुत कम मार्क्स ला पाती क्योंकि तैयारी नहीं थी। और फिर पास तो हो जाती, खुशी होती पास हो गए, लेकिन हमारा नंबर अच्छा नहीं आता और फिर हमें उसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ता। आगे उतने खराब अंकों के साथ मुझे किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश नहीं मिलता, यानी नंबर अच्छा नहीं आता, फिर जो है अच्छे कॉलेज में उनका एडमिशन नहीं होता, कह रही है पूरा करियर दांव पर लग जाता, फिर जो ये हमारा भविष्य है वो दांव पर लग जाता, करियर दांव पर लग जाता, यानी हम जिंदगी में कुछ आगे अच्छा नहीं कर पाते। लेकिन एक असफलता ने मुझे दोबारा जो उन्हीं जो असफलता मिली उसके कारण, कह रही है मुझे दोबारा जो है 12वीं परीक्षा देने का मौका यानी अवसर मिला और मुझे सही दिशा मिली, सही रास्ता मिला, तो हमने अच्छे अंक से जो है पास किए परीक्षा को 12वीं, और मेरी जिंदगी जो है बदल गई। फिर जिंदगी में आगे बढ़ने का मुझे हौसला मिला और मैं हमेशा आगे बढ़ती गई, जिसका जो है मुझे फायदा मिला। असफलता व्यक्ति को सोचने और आत्मावलोकन करने के लिए प्रेरित करती है। इससे व्यक्ति को गलतियों का एहसास होता है और उन्हें सुधारने का मौका भी मिलता है। इससे उसमें विनम्रता बढ़ती है। बिल गेट्स कहते हैं, सफलता का जश्न मनाना बुरी बात नहीं है, लेकिन जो असफलता याद रखते हैं वे दूसरों को उन गलतियों को करने से न केवल रोकते हैं बल्कि वे अधिक विनम्र भी हो जाती हैं। यानी कह रही हैं लेखिका जी जो है, असफलता व्यक्ति को सोचने और आत्मावलोकन, अपने बारे में सोचने के लिए, अवलोकन करने के लिए, अपनी निरीक्षण करने के लिए प्रेरित करती है। अपने बारे में सोचो, हम कहाँ, इस मेरी स्थिति क्या है, उस पर विचार करो, उस पर अवलोकन करो, देखो। इससे व्यक्ति को गलतियों का एहसास होता है। व्यक्ति जो गलती करता है उससे उसे एहसास हो जाता है, उसको जानकारी हो जाती है और फिर उन्हें सुधारने का मौका मिलता है, अवसर मिलता है, अपनी गलती को सुधार सकता है। इससे उसमें विनम्रता बढ़ती है, आदमी विनम्र बन जाता है। जो है बिल गेट्स कहते हैं, लिखा जी कह रही हैं, बिल गेट्स भी कहते हैं, सफलता का जश्न मनाना बुरी बात नहीं है। ये अगर आप सफल हो गए तो उसका जश्न मनाइए, खुशी मनाइए, कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो असफलता याद रखते हैं, लेकिन अगर कोई जिंदगी में असफल हुआ है उस असफलता को याद रखता है, तो वह दूसरों को उन गलतियों को करने से केवल रोकता ही नहीं है। जो असफलता को याद रखता है वह किसी दूसरे को ऐसी गलती करने से रोकता ही नहीं है बल्कि वह अधिक विनम्र भी हो जाता है, दूसरे को गलतियों से रोकता है और खुद विनम्र भी हो जाता है। सफलता अंतिम सत्य नहीं है। विंस्टन चर्चिल ने एक बात बहुत अच्छी कही थी, सफलता अंतिम सत्य नहीं होती। असफलता कभी घातक नहीं होती, लेकिन असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहना ज्यादा मायने रखता है। इसी में जिंदगी का फलसफा छिपा हुआ है। देखा जाए तो बात सच भी है, एक कहीं बार में मिली सफलता को का वो स्वाद नहीं होता जो सब असफलता की बात की मिली सफलता का होता है। वैसे भी एक सफलता जिसे मंजिल भी कहा जा सकता है कि बाद दूसरे लक्ष्य के लिए तो फिर से जुटना ही पड़ता है, इसलिए एक बार मिली सफलता पर घमंड नहीं होना चाहिए। लेखिका जी कह रही हैं कि सफलता अंतिम सत्य नहीं है। एक बार सफल हो गए तो वहीं पर आपका जो है सारा कुछ खत्म नहीं हो जाता। जिंदगी में और भी आपको समस्याएं आती हैं, उसमें भी सफल होना जरूरी होता है। तो विंस्टन चर्चिल ने कहा है, रिका जी कह रही हैं कि विंस्टन चर्चिल ने एक बात बहुत अच्छी कही थी। क्या कही थी? कि सफलता अंतिम सत्य नहीं होती। एक बार सफलता जो मिली वही अंतिम सत्य नहीं है, क्योंकि ये अंत नहीं है। असफलता कभी घातक नहीं होती। असफलता भी जो मिली है वो घातक नहीं होती, नुकसानदायक नहीं होती, लेकिन असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहना ज्यादा मायने रखता है। तभी असफलता घातक नहीं होगी, नुकसानदेह नहीं होगी, जब जो है असफलता को याद रख करके असफल होने के बाद भी आगे बढ़ते रहेंगे, यानी आगे बढ़ते रहना ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा मूल्यवान होता है। कि आप असफल होकर के आगे बढ़िए,
तब इसका मूल्य बढ़ता है, अगर रुक गए तो फिर वो नुकसानदेह होगा। तो कह रहे हैं कि इसी में जिंदगी का फलसफा छिपा है, जिंदगी का ये जो अनुभव है इसी में छिपा है, असफलता के बाद सफलता, कोशिश करते रहना, यही तो जिंदगी का मकसद है। देखा जाए तो बात सच भी है, कह रही है लिखा जी कि यह बात सच भी है। देखा जाए तो एक ही बार में मिली सफलता का वो स्वाद नहीं होता जो एक ही बार कोशिश करने पर जो सफलता मिल जाती है लोगों को, उसमें उतना स्वाद नहीं होता है, उतना आनंद नहीं होता है जो असफलता के बाद की मिली सफलता का होता है। जो एक बार असफल होने के बाद कोई व्यक्ति सफल होता है, यानी तब वो जो है उसका स्वाद उसके लिए और बढ़ जाता है और मीठा हो जाता है। वैसे भी एक सफलता जिसे मंजिल भी कहा जा सकता है, अगर एक सफलता आपको मिल गई है जिसे मंजिल भी कहते हैं, कि अगर आप ये समझो कि हमें मंजिल मिल गई है, इसके बाद दूसरे लक्ष्य के लिए तो फिर से जो है जुटना ही पड़ता है। एक मंजिल तो मिल गई लेकिन आपको दूसरा भी तो लक्ष्य प्राप्त करना है, उसके लिए भी तो जुटना है, उसके लिए भी तो कोशिश करना है। इसलिए एक बार मिली सफलता पर घमंड नहीं होना चाहिए, एक बार कहीं आप सफल हो गए उस पर घमंड नहीं करना चाहिए, यानी असफलता भी मिल सकती है, ये याद रखना जरूरी है। और फिर कोशिश करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि हम जिंदगी में हमेशा सफल ही होंगे, अगर गलती कर दिए तो आपको असफलता का मुंह देखना ही पड़ेगा। इसलिए दिमाग में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम हमेशा सफल ही होंगे, उस पर विचार करके आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक बार में सफल होना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद खुद को गुमान से दूर रखना चाहिए। ठीक उसी तरह एक बार मिली असफलता से रुक जाना भी अच्छी बात नहीं है। जीवन हमें निरंतर बढ़ना सिखाता है। नदी की राह में भी कई अवरोध आते हैं, लेकिन नदी का बहना नहीं छोड़ती, वह किसी न किसी तरह अपना राह बना ही लेती है। लहरें या तो पत्थर को काट देती हैं या फिर अपनी राह बदल देती हैं, लेकिन बहना नहीं छोड़ती। असफल होने के दो ही कारण हो सकते हैं, खुद में कमियां होना या सही तरीका न अपनाना। इसलिए असफल होने की स्थिति में दुखी होने की जगह स्थिर होकर सोचना चाहिए कि असफलता के कारण क्या थे। यदि खुद की कमियां इसके लिए जिम्मेदार हो तो उन पर काम करना चाहिए, और यदि रास्ता गलत लगे तो मंजिल को हासिल करने के लिए रास्ता बदलने में भी कोई बुराई नहीं है, बस रुक जाना गलत बात है। तो लेखिका जी कह रही हैं कि एक बार में सफल होना ये कोई बुरी बात भी नहीं है, है अच्छी बात है एक बार में सफल हो गए, लेकिन उसके बाद खुद पर गुमान नहीं रखना चाहिए, खुद पर घमंड नहीं करना चाहिए कि हम जिंदगी में हमेशा सफल होंगे। हाँ, ठीक उसी तरह कह रही हैं कि एक बार मिली सफलता से रुकना भी अच्छी बात नहीं है, आपको हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। एक बार सफल हो गए तो उस पर घमंड भी मत करो, और एक बार असफल हो गए तो हार मानकर रुको भी मत, आगे कोशिश करो। जीवन में हमेशा हमें निरंतर बढ़ना सीखे, जीवन जो है हमें हमेशा निरंतर आगे बढ़ना सिखाता है, इसलिए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। नदी का उदाहरण दे रही हैं कि नदी की राह में भी कई अवरोध आते हैं, कई रुकावटें आती हैं, लेकिन नदी कभी बहना नहीं छोड़ती, वह किसी न किसी तरह अपना रास्ता बना ही लेती है, अपना राह बना ही लेती है, जो है वो हमेशा बहती ही रहती है। कह रही हैं कि या तो लहरें या तो पत्थर को काट देती हैं, जो सामने पत्थर आता है नदी को, लहरें या तो उस पत्थर को काट देती हैं या फिर अपना रास्ता ही बदल देती हैं। अगर पत्थर को नहीं काट पाती हैं तो अपना रास्ता ही बदल देती हैं वहां से, लेकिन वो अगल बगल से बहती ही जाती हैं, रुकती नहीं है, लेकिन नदी बहना नहीं छोड़ती है। असफल होने के दो ही कारण हो सकते हैं, लेखिका जी ने दो कारण असफल होने का बताई हैं। पहला है खुद में कमियां होना या सही तरीका न अपनाना। पहला है खुद में कमियां होना, दूसरा है सही तरीका न अपनाना। या तो कुछ आप में कमी है जिसकी वजह से, या तो आपने जिस तरीका का जो रास्ता अपनाया वो गलत हो। इसलिए असफल होने की स्थिति में दुखी होने की जगह स्थिर होकर सोचना चाहिए, विचारना चाहिए कि असफलता के कारण क्या थी, कारण पर विचार करना चाहिए। यदि खुद के अंदर कमियां हैं तो इसके लिए जिम्मेदार हो तो उन पर काम करना चाहिए। अगर आपके अंदर कमी है, मालूमात हो गई, तो उसे दूर करिए, उसको जिम्मेदारी लीजिए, और यदि रास्ता गलत लगे तो उस रास्ते को बदल दीजिए। तो इस तरह से आपको मंजिल जरूर मिलेगा,
यानी मंजिल को हासिल करने के लिए रास्ता बदलने में भी कोई बुराई नहीं है, यानी जो रास्ता अपनाए हैं उसको छोड़ सकते हैं, दूसरे रास्ते से मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसा इसमें कोई आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, बस रुक जाना गलत बात है, स्थिर हो जाना, रुक जाना, हार मान जाना, यही सबसे गलत बात है। बाकी जो है आप रास्ता बदल दीजिए, अपने पर विचार करिए, जिम्मेदारी लीजिए, खुद की कमियां दूर करिए, कोशिश करिए, तो सब आपको जो है सफलता ही सफलता मिलती रहेगी। लोग कुछ नहीं कहेंगे, असफलता के साथ सबसे बड़ा जो डर जुड़ा होता है वह कि लोग क्या कहेंगे। दरअसल हर व्यक्ति को अपनी छवि प्यारी होती है, उसमें हल्का सा दाग भी उसे बर्दाश्त नहीं होता। असफलता को भी आम व्यक्ति दाग की तरह मानते हैं, जबकि वह केवल सफलता की ओर बढ़ने का पायदान मात्र है। बड़े वैज्ञानिक जिनकी खोज सफल होने से पहले लोगों ने बेहद दुत्कारा था, अगर उसी वक्त लोगों की बातों को अपने ऊपर हावी होने देते तो वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। चर्चिल ने एक और बहुत अच्छी बात कही थी, एक असफलता से दूसरी असफलता तक पूरे उत्साह से पहुंचने वाला ही सफलता तक पहुंच पाता है। दुनिया की सबसे ताकतवर पत्रिका फोर्ब्स के मालिक मालकॉम फोर्ब्स ने कहा था, असफलता ही सफलता है यदि हम उसे सीख ले सके तो। यानी अपनी असफलता से जो व्यक्ति सीख ले लेता है उसका सफल होना निश्चित है। लब बोलू आप यह है कि असफलता की स्थिति का सही आकलन करे तो सफलता का रास्ता बेहद आसान हो सकता है, बशर्ते व्यक्ति पूरे जोश और जुनून से अपनी असफलताओं से सीखते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े। जो व्यक्ति अपनी असफलता के कारण को खोज लेते हैं उन्हें सफलता का रास्ता खुद ब खुद मिल जाता है। इसलिए असफलता को घृणा से नहीं बल्कि सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। तो यहाँ पे लेखिका जी कह रही हैं, लोग कुछ नहीं कहेंगे, आप डरो मत, लोग कुछ नहीं कहेंगे, यानी कह रही हैं असफलता के साथ जो सबसे बड़ा सब लोगों का डर होता है, डर जुड़ा होता है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, हैं वह है कि लोग मुझे क्या कहेंगे, यानी एक बार असफल हो गए तो उन्हें बहुत गिल्टी महसूस होती है कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमें क्या कहेंगे। दरअसल हर व्यक्ति को अपनी छवि प्यारी होती, क्यों कि लोगों को अपनी छवि जो बनी बन जाती है वह बहुत प्यारी होती है, उसमें जरा भी दाग लग जाता है तो लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। तो असफल कुछ लोग जो है असफलता को भी इसी तरह आम दाग की तरह मानते हैं, असफल होना यानी जीवन में किसी तरह का दाग लग जाना, तो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन कह रही है लेखिका जी कि जबकि यह केवल सफलता की ओर बढ़ने का पायदान मात्र है, यह असफलता कोई जो है दाग भी नहीं है, इससे यह तो केवल सफलता की ओर बढ़ने का एक रास्ता पायदान है, एक सीढ़ी मात्र है, इसका उपयोग करो। कह रही हैं बड़े बड़े वैज्ञानिक जिनकी खोजों का हम उपयोग कर रहे हैं उनके बारे में कह रही हैं कि सफल होने से पहले लोगों ने उन्हें बेहद दुत्कारा था, बहुत सारे जो है उनको जो है लोगों का सामना करना पड़ा, लोगों की बातें सुनना पड़ा था। अगर उसी डर से, अगर उसी वक्त लोगों की बातों को अपने ऊपर वे हावी होने देते, लोगों की बातें के कारण वो प्रयास करना छोड़ दिए होते तो कभी वे आगे नहीं बढ़ पाते, वैज्ञानिक नहीं बन पाते और समाज को कुछ नई चीज नहीं दे पाते। तो चर्चिल ने एक और अच्छी बात कही है, लेखिका जी कह रही हैं बहुत अच्छी बात कही थी, क्या कही थी, एक असफलता से दूसरी असफलता तक पूरे उत्साह से पहुंचने वाला ही सफलता तक पहुंच पाता है। यानी एक बार असफल हो गए तो ये मत डरो कि आगे भी असफल होंगे, यानी दूसरी असफलता के लिए भी तैयारी करके रखो, दूसरी असफलता तक पूरे उत्साह के साथ, जब तक असफल नहीं होते हो पूरे लगन और उत्साह के साथ कोशिश करो तो आप जरूर सफल होंगे। दुनिया की सबसे ताकतवर पत्रिका फोर्ब्स के मालिक है मालकॉम फोर्ब्स, उन्होंने कहा है कि असफलता ही सफलता है यदि हम उससे सीख ले सकें तो। यह जो असफलता है इसी में सफलता भी छिपी है, यदि हम उससे सीख लें, उससे शिक्षा ले सकें तो। यानी अपनी असफलता से जो व्यक्ति सीख ले लेता है, शिक्षा ले लेता है, उसका सफल होना निश्चित है, वो जो है अवश्य सफल होगा। लबोलू आप, यानी इसका तात्पर्य है जिंदगी का यह है कि असफलता की स्थिति का सही आकलन करें, जो असफलता मिली है
उसका सही उसकी स्थिति क्या है, सही आकलन करें, सही मूल्यांकन करें, तो सफलता का रास्ता बेहद आसान हो जाता है। तो सफलता का जो रास्ता है वो बेहद आसान हो जाता है, बशर्ते व्यक्ति पूरे जोश और जुनून से अपनी असफलताओं से सीखते हुए और उनसे प्रेरणा लेते हुए। अगर एक व्यक्ति पूरे जोश के साथ जो है किसी जुनून से अपनी असफलताओं से सीखते हुए, शिक्षा लेते हुए, उनसे प्रेरणा लेते हुए आगे बढ़े, प्रयास करे, तो जो व्यक्ति अपनी असफलता के कारण को खोज लेते हैं उन्हें सफलता का रास्ता खुद ब खुद अपने आप मिल जाता है। अगर आदमी जो असफल हुआ है असफलता का कारण खोज ले तो वह व्यक्ति जो है आगे सफल होगा ही, उसको सफलता प्राप्त होगी ही, यानी सफलता का रास्ता उसके लिए खुद ब खुद अपने आप बन जाता है। इसलिए असफलता को घृणा से नहीं बल्कि सम्मान के साथ स्वीकार करना चाहिए। इसलिए जो असफलता अगर मिलती है किसी को तो उससे घृणा नहीं करनी चाहिए, उसे डरना नहीं चाहिए, उसको सम्मान के साथ स्वीकार करो और उस अपनी कमियों को दूर करके जो रास्ते हैं सही रास्ते का प्रयोग करके जीवन में सफलता प्राप्त करो, ऐसा लेखा जी का मानना है। तो आज हम यह सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं।